जिस तरह से बच्चे नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं और 20 साल बाद, 15 साल बाद डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर की डिग्री हासिल होती है। कितना समय लगा, कितनी मेहनत की, कितना दृढ़ निश्चय रहा, तब जाके वो डिग्रियां मिली। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को पाने के लिए आपको दृढ़ यकीन रखना होगा, सर्च करना होगा और दृढ़ यकीन रखते हुए प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना होगा। ज्यो ज्यो आप राम नाम जपते जाएंगे, ज्यो ज्यो भक्ति करते जाएंगे, तो जो डिग्रियां आपको मिलेंगी वो परमानंद और मालिक सदगुरु मौला के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। जिसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है, जिसके मुकाबले में कोई चीज खड़ी नहीं रहती, वो परमपिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो मालिक, जिसे नूरी स्वरूप में मिल जाया करते हैं, उनके अंदर से ईगो, उनके अंदर से खुदी, अहंकार, दुई द्वेष, चुगली, निंदा, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना सब चली जाती हैं। एक शांत में समुंदर की तरह उसके चेहरे पर नूर ठाठे मारने लगता है, पता चल जाता है कि यह इंसान भक्ति करने वाला है और सतगुरु के दृढ़ यकीनों पे अमल करने वाला है। सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखता है, वचनों पे अमल करने वाला है। तो फकीर के वचन सिर्फ वचन ही नहीं होते, वो अल्लाह वाहिगुरु राम की बात होती है जो फकीर वचन कहते हैं। वाहिगुरु के वचन हो सकते हैं, अल्लाह राम के वचन होते हैं, फकीर तो बताने वाले होते हैं। आदमी का मन मरोड़ा चढ़ा लेता है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, वो आपको क्या कह दे, क्या बोल दे, कुछ पता नहीं चलता। पर संत पीर फकीर अगर कुछ बोल दे, अगर भक्ति कर लो तो आपको पता चल जाएगा। कबीर साहब जी फरमाते हैं, संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। कैसे? संत पीर फकीर हमेशा प्यार मोहब्बत की चर्चा करते हैं, पर कोई इंसान के भयानक कर्म आ रहे हैं पहाड़ जैसे, उसकी भक्ति उतनी नहीं है, उसने उतना सुमरण नहीं किया घंटा सुबह शाम, दो घंटे सुबह शाम, जिससे वो पहाड़ सा कर्म कंकर बन जाए, पर उसकी सेवा है, उसका बचपन का प्यार है, तो संत को लाज होती है, गुरु को लाज होती है, ये इस पहाड़ के नीचे दब जाएगा, कोई तरीका नहीं बचता। अब संत प्यार के समुंदर होते हैं, तो काल का कर्जा चुकाने के लिए संत अपने अंदर परिवर्तन लाके क्रोध करते हैं, ताकि यह लगे काल को कि देखो मैंने दयाल के नुमाइंदे संत को भी गुस्सा चढ़ा दिया, ताकि कुछ लोग उसे देख के दूर हों, कुछ लोग देख के शायद पता नहीं क्या अर्थ निकालें, लेकिन तो मालिक जानता है कि वो क्रोध सिर्फ इसलिए होता है कि सामने वाले के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ की जगह एक राई बन के दुख कट जाते हैं और वो आदमी बच जाता है।